हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टॉक चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और यहाँ पर मैं आपको नॉलेजेबल फैक्ट्स बताता हूँ चीजों के बारे में। दोस्तों, आज का हमारा नया टॉपिक है चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम। इस चाइना के विशालकाय डैम ने किस प्रकार से धरती की गति को धीमा कर दिया है, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपनी ज्योग्राफी क्लास में कहीं ना कहीं डैम के बारे में सुना ही होगा, या फिर आपने अपनी जिंदगी में किसी न किसी के मुंह से डैम के बारे में सुना ही होगा। दोस्तों, डैम हम बोलते हैं बांध को। डैम का काम होता है नदी के बहाव को रोकना और उसके पानी को इकट्ठा करना। किसी डैम का काम ये भी होता है कि उसके पानी को इकट्ठा करने के बाद एग्रीकल्चर में, मतलब सिंचाई में यूज करना, या फिर उससे बिजली बनाना, या फिर उसको पीने के पानी के इस्तेमाल में लेना। दोस्तों, डैम का इस्तेमाल पानी की दिशा को बदलने के लिए या फिर नदी के बहाव को रोक करके कहीं पे बाढ़ आने से रोकने के लिए भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये सब तो थे डैम के फायदे। अगर दोस्तों मैं नुकसान की बात करूं तो कहीं ना कहीं डैम बनाने की वजह से अर्थक्वेक, फ्लड्स, लैंडस्लाइड, ये सारे खतरे भी रहते हैं। कुछ ना कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं। मतलब कि हमारी धरती को जितना फायदा है उतना ही नुकसान भी है डैम से। मैं नुकसान की बात करूं तो क्या आपने कभी सुना है कि कोई बांध धरती के घूमने की गति को धीमा कर सकता है? हाँ दोस्तों, धरती के घूमने की गति को धीमा कर सकता है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों चाइना के थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में। ये इतना विशालकाय डैम है जिसने धरती के घूमने की गति को भी धीमा कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब इसी के बारे में बात करते हैं। चाइना की बात करूं तो चाइना सिर्फ आबादी को लेकर के इस दुनिया में इतना फेमस नहीं है दोस्तों, ये अपने विशालकाय डैम्स को लेकर के भी दुनिया में बहुत फेमस है। जैसे कि मैंने आपको बताया थ्री गॉर्जेस डैम के बारे में, चाइना की एक यांगजी रिवर है, यांगजी रिवर पर स्थित एक डैम जिसका नाम है थ्री गॉर्जेस डैम। दोस्तों, ये एशिया का सबसे बड़ा डैम माना जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यांगजी रिवर भी एशिया की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इस पर स्थित थ्री गॉर्जेस डैम ये लगभग 22.5 अरब वॉट की बिजली जनरेट करता है। आप सोच रहे होंगे कि 22.5 अरब वॉट बिजली कितनी होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 22.5 अरब वॉट बिजली इतनी होती है कि अगर मैं 2-3 कंट्रीज ले लूं, जैसे कि आइसलैंड, हंगरी और न्यूजीलैंड, ये कंट्री साल भर में भी मिलकर के इतनी बिजली इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इतनी ज्यादा होती है 22.5 अरब वॉट बिजली। दोस्तों, मैं आपको बता दूं चाइना के अंदर 1.5% बिजली की जो जनरेशन होती है उसका जिम्मेदार भी थ्री गॉर्जेस डैम है। इसकी वजह से फॉसिल फ्यूल से बनाने वाली बिजली का उत्पादन कम हुआ है। आपको पता ही होगा कि जब हम फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाते हैं तो वातावरण को कितना नुकसान पहुंचता है। दोस्तों, चाइना के अंदर थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने में काफी गिरावट हुई है और ये एक एडवांटेज हम मान सकते हैं थ्री गॉर्जेस डैम का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं थ्री गॉर्जेस डैम की लंबाई और चौड़ाई की। इस डैम की लंबाई है 660 किलोमीटर और चौड़ाई है 1.12 किलोमीटर। इस डैम को बनाने का जो खर्चा है वो 23 यूएस बिलियन डॉलर से भी ज्यादा था। आंकड़ों के अनुसार ये डैम जो है 39 ट्रिलियन मैट्रिक टन पानी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये पानी कितना होता है, ये बुर्ज खलीफा के वजन से 80,000 गुना ज्यादा होता है। उस डैम के निर्माण में 470,000 टन स्टील इस्तेमाल हुआ था, जिसके इस्तेमाल से लगभग हम 65 आईफिल टावर खड़े कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस विशालकाय डैम ने धरती की गति को धीमा कैसे कर दिया है। आपने फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में तो पढ़ा ही होगा। दोस्तों, किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसके मास पर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा दोस्तों, तो उसकी गति घूमने की कम होगी, और किसी भी चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो उसकी घूमने की गति ज्यादा होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पोजीशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, बॉडी का शेप कैसा है, और सरफेस पर जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। दोस्तों, मैं आपको नॉर्मली मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाने की कोशिश करता हूं, आप ज्यादा इसको इतना हार्डली ना लें। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक बॉल है, ये हमारे पास एक बॉल है, मैंने इसको घुमाया। मान के चलो कि ये एक लोहे की बॉल है, ठीक है, और ये बहुत हल्की बॉल है, लोहे की बॉल है, अंदर से ये खाली है। आपने इसको घुमा दिया, अब ये घूम रही है किसी सरफेस पे, और घूमते घूमते आपने मान के चलो इसकी सरफेस पे यहाँ पे एक चुंबक लगा दी, तो आप सोच सकते हैं कि इसकी गति पे क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, इसकी गति धीमी हो जाएगी जैसे ही मैं इस पे चुंबक चिपकाऊंगा। तो दोस्तों, यही होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। उम्मीद करता हूं तो आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आ गया होगा। धरती की बात करें तो ये भी एक बॉल की तरह ही गोल है। और दूसरी चीज दोस्तों, इस पर पहले तो बिल्डिंग्स नहीं थी, लेकिन आगे आने वाले समय में हमने टेक्नोलॉजी को इस तरीके से डेवलप किया कि हमने इस पर काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दी। ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कि लगभग अप्रोक्सीमेट 1-1 किलोमीटर तक की है, जैसे कि बुर्ज खलीफा दुबई के अंदर। ऐसे में ही हमने एक बांध और बना दिया जो कि 650 किलोमीटर लंबा है, जो कि है थ्री गॉर्जेस डैम। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे किस प्रकार से फर्क पड़ेगा, धरती की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। दोस्तों,
ये जो बांध है ये उस एक चुंबक की तरह काम करेगा, जैसे कि मैंने आपको बॉल का एग्जांपल दिया था कि बॉल के ऊपर जब हमने एक चुंबक लगाई तो गति पर फर्क पड़ गया। इसी प्रकार से दोस्तों ये जो बांध है कहीं ना कहीं इसका भी फर्क धरती के रोटेशन पे पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ेगा। तो दोस्तों कितना फर्क पड़ा इसकी वजह से, चलिए इसकी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि धरती को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 घंटे लगते हैं, मतलब कि 86,400 सेकेंड्स। और यही अगर हम थ्री गॉर्जेस डैम की बात करें तो उसके प्रभाव की वजह से हमारा जो दिन है डेली 69 नैनो सेकेंड्स इंक्रीज हो जाता है, 60 नैनो सेकेंड्स तक बढ़ जाता है। और यही समय दोस्तों अगर हम बात करें 500 मिलियन साल बाद यही समय बढ़ के हो जाएगा 4 घंटे, मतलब 500 मिलियन साल बाद हमारे जो 24 घंटे हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में यही 28 घंटे हो जाएंगे। यही मैं बात करूं 3 बिलियन साल बाद क्या होगा, 3 बिलियन साल बाद एक और दिन जुड़ जाएगा, मतलब कि पूरे 24 घंटे बढ़ जाएंगे हमारे धरती के रोटेशन में, मतलब कि जो एक दिन 24 घंटे का होता है वो 48 घंटे का होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि सिर्फ इस बांध की वजह से धरती की गति पर ही फर्क नहीं पड़ता, इससे दोस्तों हमारे जो एक्सेस होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है दोस्तों, वो भी शिफ्ट हो जाते हैं। अगर मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात करूं वो भी हमारे डेली 2 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाते हैं। बात सिर्फ इस डैम की नहीं है, ऐसी बहुत विशालकाय बिल्डिंग्स हमारी धरती पर हैं दोस्तों जिनका फर्क हमारी धरती के रोटेशन पर पड़ता है। अगर मैं सारी बिल्डिंग्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो कहीं ना कहीं इन बिल्डिंग्स का भी फर्क हमारे धरती के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ता है दोस्तों। लेकिन ये जो डैम है ये कुछ इतना बड़ा है कि इसका जो फर्क पड़ा है दोस्तों वो सबसे अलग है। लेकिन मैं सबकी बात करूं तो सबका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फर्क धरती के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे पड़ता ही है, जिसकी वजह से एक्सिस हमारे शिफ्ट होते ही हैं। दूसरा दोस्तों, मौसम में बदलाव आता है, जलवायु में बदलाव आता है और नेचुरल डिजास्टर्स हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जिन चीज़ों के कुछ फायदे होते हैं उनके कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डैम से हमको कुछ फायदे भी होते हैं तो यहाँ पर नुकसान भी हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जो भी मैंने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद।